Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लाहौर में भी अच्छा हो रहा है और क्वेटा में भी अच्छा हो जाए, बहुत हमें इस चीज़ का फख्र होता है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस का फैसला महफूज कर लिया। तफसीलात जमा ना कराने का मतलब ये है कुछ गलत है। तहरीक इंसाफ चार साल से हमारा वक्त जाया कर रही है। इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। नैब ने शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस अदालत भेज दिए, तहम शरीफ खानदान की जायदाद को मुंसलिक नहीं किया। मामला अब अदालत में है इसलिए तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान नैब। सिंध हुकूमत का एडी ख्वाजा से कोई तनाजा नहीं, अदलिया के अहकामात पर अमल दरामद करेंगे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह। नई अमरीकी पॉलिसी पर जवाबी हिकमत अमली की तैयारी के लिए पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ की कयादत में पाकिस्तानी वक्त ईरान पहुँच गया। ईरानी सदर और वजीर खारजा से अहम मुलाकातें करेंगे। जमात इस्लामी आज लाहौर से रावलपिंडी तक एहतसाब मार्च करेगी। दाता दरबार पर सिराजुल हक खिताब करेंगे। जीटी रोड पर इस्तकबाल की तैयारियां, जगह जगह बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए। रिस्क खाक हुआ। कराची के इलाके बल्दिया की फैक्ट्री में मजदूरों के कत्ले आम को 5 बरस बीत गए तो 59 अफराद को जिंदा जलाने वाले अंजाम को नहीं पहुंच सके। पुलिस की नाअहली से मुकदमा भी इल्तवा का शिकार हो गया। लवाहकीन अब तक इंसाफ के मुंतजर। बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को 69वीं बरसी पर पूरी कौम का खिराज अकीदत। गवर्नर सिंध और वजीर आला की मजार कायद पर हाजिरी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं तहरीक आजादी कायदे आजम की सियासी बसीरत का मुंह बोलता सबूत है, उनके जमहूरी उसूलों पर कारबंद हैं। तहकीकाती टीम का इस्लामाबाद में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में आतिजदगी से मुतासर इमारत का दौरा। गुज़श्ता रोज आतिजदगी के 22 अफराद जाँ बहक हुए थे, ताहम सी पैक का रिकॉर्ड डिजिटल होने के 22 महफूज रहा था। कसूर में बाप ने अपना ही घर उजाड़ दिया। 3 बेटियों को कत्ल करने के बाद बीवी को भी मार डाला। मुल्जिम ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। को 16 बरस बीत गए। मरने वालों की याद में अमेरिका में मुख्तलिफ तकारीब होंगी। 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की जाएगी। अमेरिका में दहशतगर्दी के बाद अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के असरात से पाकिस्तान बहुत मुतासर हुआ, मगर अमेरिकी कयादत आज भी पाकिस्तान की कुर्बानियां तस्लीम करने को तैयार नहीं। म्यांमार की हुकूमत ने अस्करियत पसंद तंजीम अराकाने रोहिंग्या सोल्वेशन आर्मी की तरफ से फायरबंदी का ऐलान। OIC ने रोहिंग्या मुसलमानों की 1982 से खत्म शुदा शहरियत बहाल करने का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेश के वजीर खारजा अब्दुल हसन महमूद अली कहते हैं म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। 3 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश आ चुके हैं, ये बांग्लादेश के लिए कौमी मसला है। फ्लोरिडा से टकराने के बाद समुद्री तूफान अर्मा की शिद्दत कम हो गई। फ्लोरिडा 100 अरब डॉलर का नुकसान।
5 अफराद हलाक, 34 लाख अफराद बिजली से महरूम, सड़कें नदी नालों में तब्दील, तूफान अब जॉर्जिया की तरफ बढ़ रहा है। एक 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा में अपने कदमों पर खड़ा होना कितना मुश्किल होता है, इस शख्स को देखें तो लग पता। फ्लोरिडा में तूफानी हवा का दबाव नापने वाले शख्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरीकी रियासत टेक्सास के शुमाली इलाके प्लानों के एक घर में फायरिंग, 7 अफराद हलाक, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर भी मारा गया, 2 जख्मी हो गए।